sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25. ओके तो एक ट्रायंगल है हमारे पास जिसकी तीनों साइड्स आपस में 12, 17 और 25 की रेशो की हैं. तो यानी कि इस साइड को मैं लिख सकता हूँ 12x, इसको 17x और इसको 25x, और x क्या है मेरा, कोई एक वेरिएबल. रेशो का कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से नहीं पता मैंने यहाँ पे 12x, 17x, 25x क्यों लिखा है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो पहले आप उस वीडियो को देख लो जो मैंने टॉप राइट कॉर्नर में डिस्प्ले किया है, उसमें मैंने रेशियोज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हैं. ठीक है, अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है कि ये कैसे आया. उसके बाद वो बोलता है एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 540 सेंटीमीटर. तो पहले तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि पेरीमीटर मुझे गिवन है 540 सेंटीमीटर्स. पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 12x प्लस 17x प्लस 25x इन तीनों का सम कितना आ जाएगा, 540 यूनिट्स को मैं छोड़ रहा हूँ अभी. ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें एक्चुअली इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो मैं x फाइंड आउट करूँगा. x पता चलेगा तो मुझे इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स मिल जाएंगी. तीनों साइड्स मिल जाएंगी तो हीरोज फॉर्मूला में मैं तीनों साइड्स डाल के और s की वैल्यू निकाल के इसका एरिया निकाल लूँगा, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो 12 + 17 = 29, 29 और 25 कितने हो गए, 54x = 540. तो यहाँ से x मेरा कितना आ गया, 540/54 यानी कि 10. x 10 आ गया. तो अब हम तीनों साइड्स निकाल लेते हैं. तो पहली साइड को मैं a मान लेता हूँ जो है 12x, तो वो कितनी हो गई, 12 × 10, क्योंकि x की वैल्यू अभी अभी 10 निकाली वो यहाँ डाली, तो 120 सेंटीमीटर्स. b सेकंड साइड ट्रायंगल की 17x, तो वो कितनी हो गई, 17 × 10 यानी कि 170 सेंटीमीटर्स. और थर्ड साइड 25x यानी कि 25 × 10 250 सेंटीमीटर्स. तो तीनों साइड्स निकलाई. अब हम s भी निकाल लेते हैं. s क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ. हमें पेरीमीटर पहले गिवन है तो इसी को यूज़ कर लेते हैं, 540/2, तो ये कितना आ जाएगा, 270. s भी निकला है. अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके. तो अब एरिया कितना आ जाएगा, एरिया हो जाएगा मेरा s, सबसे पहले s की वैल्यू 270 × s - a, 270 - a की वैल्यू क्या है, 120. तो ये आ गया 120 × 270 - b = 170 × c की वैल्यू 250 - 250 और इस सबका स्क्वेयर रूट. तो ये कितना आ जाएगा, 270 × 270 में से 120 गए तो ये बच जाएगा 150 × यहाँ से मेरे पास 100 आ जाएगा और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा 20. अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 9000 cm². ये आप खुद ही सॉल्व कर लेना, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करना है. ओके, तो स्क्वेयर रूट आप फाइंड आउट करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 9000 cm². दैट्स योर आंसर. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल. कीप वॉचिंग मैथमाफिया.